नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना चैत्र। नवरात्रि 2 अप्रैल को 2022 से शुरू होने जा रही है, 11 अप्रैल तक चलेंगी। इस साल की नवरात्रि पूरे 9 दिन की है और एक भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। इस तरह पूरे 9 दिन के व्रत रखे जाएंगे और माँ की पूजा उपासना की जाएगी। नवरात्रि की तिथि में क्षय न होना शुभ माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान 2 बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं जो कि बहुत शुभ है। हालांकि माँ दुर्गा की सवारी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है और भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। इन दोनों ही वाहनों को अच्छा नहीं माना गया है। ये देश में विवाद, तनाव, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे में 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूरी भक्ति भाव से आराधना करें, इससे अशुभ फल में कमी आ सकती है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में 2 अहम ग्रह राशि बदलने जा रहे हैं। इन 9 दिनों के दौरान मंगल और बुध ग्रह राशि बदलेंगे, वहीं शनिदेव मकर राशि में रहकर पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान रवि पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग बन रहे हैं। शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ होना और शनिदेव का अपनी ही राशि मकर में मंगल के साथ रहना शुभ फल देगा। कुल मिलाकर इस दौरान माता की पूजा उपासना करना कामों में सफलता भी दिलाएगा और मनोकामना की पूर्ति भी करेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।